विजय रसोई में सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रोटी के साथ खाने वाला एक सुपर डुपर पोटैटो सब्जी। ये बैचलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस जाने वाला लेडीज को बिल्कुल टाइम नहीं है, बिजी रहते हैं, उनके लिए भी 15 मिनट के अंदर बना के यूज़ कर सकते हैं। ऐसा वाला एक सब्जी है, सबको पसंद आएगा, एकदम अच्छा टेस्ट भी है। अपना टेस्टी एक वैरायटी पोटैटो सब्जी बनाने के लिए मैंने 3 बड़ा वाला पोटैटो लिया और उसके साथ 3 कांदा लिया, उसके साथ सांबर ओनियन भी मैंने लिया। सांबर ओनियन डालेगा तो भी अच्छा टेस्ट मिलेगा। और 3 हरा मिर्च ऐसा सेंटर से स्प्लिट किया हुआ है। और इतना सा लहसुन लिया, 2 लाल मिर्च लिया और तड़का देने के लिए थोड़ा सांभर ओनियन स्मॉल पीस करके रखा है। और थोड़ा स्मेल और थोड़ा टेस्ट के लिए 1/4 टीस्पून भी नहीं है उससे भी 2 पिंच गरम मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी यूज़ करेगा और राई। और इसके लिए हम लोग कोकोनट ऑयल ही यूज़ करेगा, दूसरा ऑयल में भी यूज़ कर सकते हैं मगर इतना टेस्ट नहीं मिलेगा। अब ये कैसा बनाते हैं हम देखते हैं। पहले हम लोग पोटैटो सब्जी बनाने के लिए कुकर यूज़ करते हैं। कुकर में बनाएगा तो सब मिलकर 15 मिनट के अंदर सब्जी बना के ले सकते हैं। तो ये कुकर में हम लोग 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हुआ, उसी में 1 टीस्पून राई डालना है। अभी उसके साथ 2 लाल मिर्च डालना है, वो भी डालने का है। अभी इसमें कांदा जो स्क्वायर पीस करके रखा है, कांदा लंबा कट करेगा तो भी चलेगा, ऐसा भी कट कर सकते हैं। मैंने कांदा और पोटैटो दोनों स्क्वायर पर कट करके रखा है। कैसा भी इसको थोड़ा स्मार्ट करना है तो इसको कैसा भी कर सकते हैं। ये कांदा ज़्यादा लाल होने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये ब्राउन कलर बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना है। बताइए ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी इसी में हम लोग कट करके रखा हुआ पोटैटो डालें, वो भी मैंने स्क्वायर शेप में दिया है। उसके साथ जो लहसुन और हरे मिर्ची निकल कर रखा है वो भी डालना। अभी इसमें 1/4 टीस्पून नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डालना है। इसको वापस अच्छे से मिक्स करने का है। अभी इसमें 1 कप पानी में डालती हूँ, इसको करके 2 विसल देना है। दो विसिल हो गई, अभी मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ। अपना पोटैटो सब अच्छा से पक गया। अभी इसको थोड़ा सा स्मैश करना है। अभी ये गरम गरम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर का पत्ता चॉप करके रखा वो डालना है। इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला नहीं था, थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके थोड़ा सा स्मैश करना है पोटैटो। इसमें 1 पिंच गरम मसाला डालते हैं, जस्ट स्मेल के लिए और टेस्ट के लिए, ज़्यादा नहीं, 1 पिंच। अच्छा से मिक्स करने का। ग्रेवी अगर इसी में कम है तो थोड़ा सा गरम पानी बॉईल कर, वो पानी गरम करके रखा है वो थोड़ा सा डालने का। एकदम थिक भी नहीं है, एकदम लूज भी नहीं है, ऐसा आएगा। अभी इसको थोड़ा सा तड़का लेके हम लोग दूसरा प्लेट में सर्व करेंगे। अभी उसको तड़का देने के लिए हम लोग पैन रखा, इसी में भी कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। पहले हम लोग 2 टेबल स्पून यूज़ किया, इसी में 1/2 टेबल स्पून डाल। ऑयल गर्म हो चुका है, थोड़ा सा राई डालना है। अभी कट करके रखा सांभर ओनियन डालना है, वो थोड़ा ब्राउन कलर होना चाहिए। कड़ी पत्ता थोड़ा डालना है, कड़ी पत्ता जलना नहीं चाहिए। फिर अंदर कुकर में जो बना के रखा है, स्मैश करके रखा है, वो पोटैटो डालना है। मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ इसको मिक्स करने का।
मैंने टेस्टी रही है पोटैटो सब्जी रेडी हो चुका है। आज का अपना पोटैटो सब्जी 15 मिनट के अंदर बन चुका है। ये आप जरूर घर पर ट्राई कीजिए और ये वीडियो पसंद आया तो सब लोग लाइक एंड शेयर कीजिए। नया कोई वीडियो जैसे ही देखते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीक नया रेसिपी के साथ मिलेगा। नमस्कार।